हाय गाइस, श्रुति की रसोई में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप जान ही रहे हो कि रक्षाबंधन आने में बहुत ही कम समय बचे हैं अब, और ऐसे में हम कुछ मीठा ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन की बहुत ही मज़ेदार सी बर्फी की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गैस पर देखिए, मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसे हम हल्का गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और अब यहाँ पे मैंने हाफ कप तेल लिया है, साथ ही में अब यहाँ पे हम 2 कप बेसन ले लेंगे। एंड अब इसे हमें मिला लेना है और इसे हमें लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब देखिए हल्की हल्की इसकी कलर भी चेंज होने लगी है और जो तेल था वो अच्छे से बेसन में मिल चुकी है। तो बस लगातार ये हमें इसे भूनते रहना है। एंड अब देखिए ये अच्छे से भून गई है। तो लगभग मुझे इसे 7 से 8 मिनट लग गए थे इसे भूनते भूनते। तो अब यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ले लेंगे थोड़े से फ्लेवर के लिए। एंड अब यहाँ पे मैंने मलाई ले लिया है 1/2 कप, और ये घर की ही निकली हुई मलाई है। आप चाहो तो बाहर की भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास घर की थी इसलिए मैंने घर वाली ही यूज़ कर ली। देखिए अब कितनी अच्छी इसमें जालियाँ उठने लगी हैं। तो बस इसे हमें चलाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसे भी भून लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से भून गई है। तो अब यहाँ पर हम लगभग 1 कप शक्कर ले लेंगे। आप चाहो तो पिसी हुई भी ले सकते हो शक्कर को। और अब हम इसे भी लगभग चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। अब देखिए लगातार 4 से 5 मिनट भूनने के बाद ये अच्छे से बन गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और अब यहाँ पे देखिए मैंने एक थाली लिया है, इसके ऊपर जो हमने बेसन की जो वो मिक्सर बनाई थी उसे हम इसमें डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे इसे। अब देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है। तो अब इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो अब देखिए 10 मिनट कम से कम मैंने इसे रखा था, ये ठंडा हो गया है। तो अब हम यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम कट कर लिए हैं, इसमें हम इसे छिड़क देंगे इसके ऊपर और अच्छे से लगा देंगे। एंड अब हम एक चाकू की मदद से बर्फ़ी की शेप में इसे कट कर लेंगे इसी तरीके से। अब देखिए इसे मैंने कट कर लिया है। अब एक मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार सी बनी है ये। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो अपने भाइयों के लिए ज़रूर इसे बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।